देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। अनुच्छेद 370 के खात्मे करीब 5 महीने बाद कश्मीरियों के दिल में मोदी सरकार के लिए जगह बनाने के इरादे से केंद्र के मंत्रियों को खास जिम्मा मिला है। मोदी सरकार के 36 मंत्री 1 हफ्ते तक राज्य में रहेंगे। इस दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात होगी। मंत्री 60 से ज्यादा जगहों पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री कश्मीरियों तक मोदी सरकार का विकास संदेश पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रिसाई के कटरा और पंथल का दौरा करेंगी, जबकि महेंद्रनाथ पांडे जम्मू के दंसाल में होंगे। अनुराग ठाकुर जम्मू के नगरोटा, रेल मंत्री पीयूष गोयल अखनूर और आरके सिंह डोडा के खिलानी जाएंगे। कल दौरे की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अश्विनी चौबे और अर्जुन मेघवाल ने की थी। अर्जुन मेघवाल और अश्विनी चौबे ने सांबा का दौरा किया। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू में स्थानीय लोगों से मिले। यहां एक सभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 5 अगस्त 2019 के दिन को देश का इतिहास बदलने वाला दिन बताया। 4 और 5 अगस्त के बाद और फिर 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि, मैं कहूंगा इस प्रकार की मध्य रात्रि 72 वर्ष के बाद आई। पहले आई थी 14 और 15 अगस्त 1947। उसके बाद भारत के इतिहास में उल्लेखनीय शब्दों से लिखने वाली मध्य रात्रि थी 31 अक्टूबर और पहले नवंबर की मध्य रात्रि, हमें एहसास हुआ इसका। जम्मू कश्मीर में जारी पाबंदियों में धीरे धीरे काफी रियायतें दे दी गई हैं। सरकार का दावा है कि हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद इंटरनेट पर भी रोक धीरे धीरे हटाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। लोग पहरे में हैं और डरे हुए हैं कि 6 महीने आपने जम्मू कश्मीर बंद रखा, आपने इंटरनेट बंद रखा, आपने टूरिज्म को ख़त्म किया, आपने एजुकेशन को ख़त्म किया, हेल्थ को ख़त्म किया, लोगों का व्यापार ख़त्म किया, तो अब बताओ। तो अब ये कुछ कहानियां वहां से लेके आएंगे और दुनिया को सुनाएंगे। विपक्ष सरकार पर सवाल दाग रहा है, सब ठीक है तो फिर सूबे के 3 पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद क्यों हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो कश्मीर से पाबंदियां पूरी तरह खत्म क्यों नहीं की जाती? अगर सब कुछ ठीक है तो विदेशी सांसदों की जगह हमारे विपक्ष के नेता कश्मीर क्यों नहीं जा रहे? सरकार बेशक कश्मीर में मंत्रियों का दौरा कराए, लेकिन उन्हें विपक्ष के इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए।